झूठ है ये सब। सुना तुमने? ये सब झूठ है। माँ, हुआ क्या माँ? कह दे अपने भाई से, उसने जो कुछ भी सुना है वो झूठ है। कह देना उससे। अजय, माँ क्या कह रही है? कुछ नहीं भैया, माँ हमेशा की तरह पिताजी के गुनाहों पर पर्दा डाल रही है बस। वो बेगुनाह है। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, वो बेगुनाह और मासूम है। मैं तुम सबके सर की कसम खाकर कहती हूँ, वो बेगुनाह है। अगर वो सचमुच बेगुनाह थे तो फिर हम सबको छोड़कर चले क्यों गए? हमसे आज तक मिलने क्यों नहीं आए? वो कहाँ छिपे हैं? अब क्या हो गया माँ, चुप क्यों हो? तुम जवाब नहीं तुम्हारे पास कोई? बोलो, जवाब दो माँ। ये क्या जवाब देंगे भैया, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मुझे इनके जवाब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शकुंतल आंटी सब कुछ बता चुकी है। मैं जा रहा हूं मां। रुक जा अजय, तुम सच्चाई सुनना चाहते हो ना? सुनो, तुम्हारे पिताजी सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान है, लोगों पर उनके बहुत एहसान है। सुना तुमने? उन्होंने एक पवन गुप्ता के चक्कर में आकर हॉलिडे रिसोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। बैंक से उन्होंने अपने नाम पर बेइंतहा कर्जा लिया था। लोगों ने भी उन्हें देखकर लाखों रुपए रिसोर्ट खरीदने में लगा लिए थे। लेकिन सारे चेक्स उस पवन गुप्ता की कंपनी के नाम सिंगापुर जाते थे और वो फ्रॉड निकला। साख भी गई और पैसा भी। लोगों को ना तो उनका रिसोर्ट मिला, ना तुम्हारे पिताजी को उनका शेयर। लोगों ने तो तुम्हारे पिताजी को ही दोषी जाना। मगर पिताजी ने पुलिस को पवन गुप्ता के बारे में बताया नहीं। उसका कोई फायदा नहीं होता बेटा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। सारे पेपर्स पर दस्तखत तुम्हारे पिताजी के ही थे। लेकिन माँ, अगर पिताजी पुलिस को कंप्लेन कर देते तो हो सकता है कि पवन गुप्ता गिरफ्तार हो जाता। क्यों भैया? सच्चाई की विजय होती है और झूठ की पराजय। ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है बेटा, हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ऐसा एक युग आएगा, कलयुग, जिसमें हंस दाना चुगेगा और कौवा मोती खाएगा। ये यही युग है बेटा, जिसमें बदमाश बेईमान लुटेरे महलों में रहते हैं और गरीब सच्चा नेक ईमानदार इंसान गली गली ठोकर खाता पीता है। रात होने को आई है, तेरे पापा का पता ही नहीं है। अरे मामा, अभी तो सूरज भी नहीं डूबा, तुम कह रही कि रात होने को आई है। बिटिया, जब इंतजार करना पड़ता है ना, तब तुझे पता चलेगा कि शाम रात लगने लगती है और रात सुबह लगने लगती है। हाँ, और आधी रात को सूरज निकलने लगता है। तू बहुत बोलने लगी है। लगता है पापा आ गए। हाँ, हेलो बेटे। हेलो पापा। कैसी है? मैं ठीक हूँ, दीजिए मुझे। लो। बेटे, एक बात बताओ, ये इनफैक्ट तुम्हारी मम्मी इस दरवाजे से अंदर कैसे घुसती है? पापा प्लीज, आते ही मत शुरू हो जाइए, चलिए। कहाँ रह गए थे आप इतनी देर कर दी आने में? मैं तो घबराई गई थी ना। इमरती, मैं महाबलेश्वर से आ रहा हूँ, चिंचपोकली से नहीं भाई। पापा, मैं आपके लिए ग्लास पानी लाऊं? पानी या कुछ? हाँ हाँ, पानी पानी। ओहो, तो सुबह जल्दी निकल आते ना, तो जल्दी पहुंच सकते थे। मुझे कितनी बातें करनी है तुमसे। क्यों, अभी तक शुरू नहीं हुई तुम? कहाँ, आप तो महाबलेश्वर जाके सब कुछ भूल जाते। अरे, आपको ये पता नहीं कि जिम्मेवारी है यहाँ पर? लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करानी है, उसके लिए लड़का देखना है। लड़का तो तुमने देखा था, इनफैक्ट तुमने मुझे फोन किया था, तुमने मुझे कहा था कि लड़का नगीना है। नगीना था तो, मगर उसका बाप फ्रॉड निकला। अच्छा, क्या फ्रॉड किया उसने तुम्हारे साथ? हाय हाय, मेरे साथ क्यों फ्रॉड करेगा? तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो फ्रॉड है? पापा, पानी। थैंक यू। हाय हाय, लोग कहते हैं कि उसका बाप फ्रॉड है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका भी बाप फ्रॉड है। मम्मी प्लीज, पापा को दम तो लेने दो। इनका दम तो है, पर मेरा दम तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जब तक तेरी शादी नहीं होती ना, मेरा दम तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही रहेगा। अरे क्या जल्दी है इसकी शादी की? इनफैक्ट अभी तो ये बच्ची है। भाई, मैं रिटायर होना चाहती हूँ। रिटायर?
ये आजकल कहीं नौकरी कर रही है क्या? जी हाँ, आपकी बेटी की। उसे सुबह उठाओ, उसे तैयार करो कॉलेज जाने के लिए, देखो कि उसकी किताबें सही है कि नहीं है, टाइम से वापस आती है कि नहीं घर पे, फिर बस 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 मैं समझ गया। इनफैक्ट मैं बिल्कुल समझ गया, अब तुम रिवर्स में जाओगी, फिर तुम ये कहोगी कि ये कॉलेज से आए तो इसको चाय नाश्ता दो, फिर डिनर दो, और चूंकि तुम इसको सुबह जल्दी उठाती हो इसलिए रात को बड़ी मुश्किलों से तुम इसको जल्दी सुलाओ, यही ना? और नहीं तो क्या, ये सब काम नहीं है क्या? अरे बाबा सब माएं यही करती हैं इनफैक्ट। हाँ हाँ, और बापू कुछ नहीं करते? इसीलिए तो मैंने यहाँ एक रेस्टोरेंट खरीद लिया है। हाँ। अरे मैं काफी दिन यहाँ रहूंगा, और जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो महाबलेश्वर रहूंगा, और जब मैं यहाँ रहूंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिमी जल्दी जाके पापा के लिए खाना लगाओ। यस मॉम। इतने सालों से ये दुख और ये राज हमसे क्यों छुपा के रखा? क्या हम इतने भी काबिल नहीं है कि अपना दुख हमसे बांट सको? किस हक से? जब मेरे पास तुम लोगों के साथ बांटने के लिए खुशियां ही नहीं थी तो गम किस अधिकार से बांटती? अगर मेरा बस चलता तो मैं ये राज जिंदगी भर तुम लोगों पे खुलने नहीं देती कि दुनिया तुम्हारे पिता के बारे में क्या सोचती है। दुनिया की छोड़ो ना माँ, सबको तो पता है कि पिताजी बेकसूर है, तो फिर ये राज हमसे क्यों छुपा के रखा? हम आपकी मदद करते पिताजी को बेगुनाह साबित करने में। मैं तो सिर्फ तुम लोगों के भविष्य के बारे में सोच रही थी। मैंने जिंदगी भर यही चाहा है कि तुम जो कुछ भी करो उसमें आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहती थी कि अतीत की परछाइयों में तुम लोग गुमराह हो जाओ। अगर तुम अपना वक्त अपने पिता को बेगुनाह साबित करने में लगा देते तो इतने बड़े आय सर्जन कहां से होते? पर मां एक बात समझ में नहीं आती कि मामी ने ये सब अजय से क्यों कहा? क्या वो समझती हैं कि पिताजी वाकई बेईमान और धोखेबाज हैं? और अगर वो ऐसा समझती हैं तो अब तक चुप क्यों नहीं? भाभी तो आज तक मेरी समझ में नहीं आई है, पता नहीं वो इस तरह क्यों बिहेव करती है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अच्छा भी किया है, हमारे बारे में बुरा भी बोलती है। पता नहीं अजय की कौन सी बात उन्हें बुरी लगी और इसीलिए चिढ़कर उन्होंने ये कह दिया। और अजय ने भी तो ठीक नहीं किया, बगैर सोचे समझे ऐसी बात गैरों के सामने बोल दी। अजय प्लीज। क्यों, क्या हो गया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन गिटार की आवाज मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। मुझे डिस्टर्ब करती है। भैया अगर तुम आंखों के सर्जन होने के बजाय कानों के सर्जन होते ना तो ऐसी बात ना करते। और वैसे भी मेरी गिटार की आवाज बहरों को बिना ऑपरेशन किए ठीक कर सकती है। मजाक मत करो, आई एम नॉट इन दैट मूड अजय। ओके बोलो क्या बोलना चाहते हो। देखो आज जो बात तुमने मिसेस प्रसाद के साथ की वो बात हो चुकी है। मेरी बात सुनो, आज के बाद ना ही तुम ये बात अपनी जबान पे लाओगे और ना ही अपने दिल में रखोगे, क्योंकि तुम सच्चाई जान चुके हो। और कुछ कहना? अगर ये बात फैल गई ना तो ना ही तुम्हें नौकरी मिलेगी और ना ही अंजलि की शादी हो पाएगी। भैया तुम क्या सोचते हो, मैं अपना या अंजलि का दुश्मन हूं जो सब बातें जाकर बाहर फैलाऊंगा? आज तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी ना। मुझे नहीं पता था कि मिसेस प्रसाद तुम्हारी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आई है, और वैसे भी उसका मैं गुस्से में था यार। तो क्या गुस्से में आके लोग अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं?
तुम हमेशा यही शो करना चाहते हो कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ और जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। दिस इज ऑल इन योर माइंड। कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम स्टूपिड और बेवकूफ हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आज जो बार बार वो बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन तुम तो शायद अपने आप को ईश्वर समझते हो जिससे कभी कोई गलती हो नहीं सकती, लेकिन हाँ दूसरों की गलती को जरूर पॉइंट आउट कर सकता है। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो यार? मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कोई गलत बात तुम अपने दिल में न रखो और आइंदा एहतियात बरतो। लेकिन अगर मेरी आंखों के सामने कोई मेरे बाप को चोर कहे तो या तो मैं अपना मुंह तोड़ूं या उसका। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे इतना खा लिया मैंने तो मैं उबले हुए आलू जैसा हो जाऊंगा। जैसे मम्मी है, मैं उबला हुआ आलू हूँ? नहीं मामा, उबला हुआ आलू आपके जैसा है। क्या सिमी, तुम बहुत बदतमीज हो रही। मरती ये तो हमारा, हम दोनों का मिलन करवा रही है। इनफैक्ट जैसे वो क्या कहते हैं, वो चांद और चकोर, गुल गुल फार्म, वैसे बैंगन और आलू। बैंगन और आलू? और सिमी मैं देखती हूँ जब पापा आ जाते ना तो मेरे को ज्यादा ही मस्ती आ गई। कौन आया? मैं देखती हूँ। नाश्ते के टाइम पे आएंगे। अरे हाँ अशोक, हाउ आर यू? आओ ना। मम्मी है, मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ आज तो पापा भी हैं। कम ऑन हैव ब्रेकफास्ट विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। इनफैक्ट मैंने इसको कहीं देखा है। पापा ये डॉक्टर अशोक हैं, आई सर्जन। क्यों, हमारे घर में किसी की आंखें खराब है क्या? इनफैक्ट पापा मेरी आंखें तो खराब नहीं थी, लेकिन मम्मी इनके पास मेरा चेकअप कराने के लिए ले गई थी। ओह तो कोई खराबी निकली? नहीं, हमारी सिम में नहीं पर डॉक्टर अशोक में जरूर निकली। क्यों, इसके पास डॉक्टरी की डिग्री निकली है क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या, जब मैं बात करती हूँ तुम सोते ही रहते हो। इसका बाप, देखिए मेरे भाई ने पिताजी के बारे में कुछ गलत सुना और घर पे आके गुस्से में वही कह दिया और आप उसे सच मान गए। देखो अशोक, तुम्हारे भाई ने सच कहा या झूठ कहा वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे खानदान में नहीं हो सकेगी। वो आपकी मर्जी है पर। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में या तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ ना कहूँ तो मेरे सामने कभी नहीं आना। इनफैक्ट तुम ये चाहती हो कि ये सिमी से छुप छुप के मिले। क्या पागल हो गए हो, होश में हो कि नहीं? इनफैक्ट मैं होश में हूँ। मैं चलता हूँ, बट प्लीज एक बात याद रखिए, अगर ये बात फैल गई तो मेरे भाई को नौकरी नहीं मिलेगी और मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। अच्छा भाई नहीं बोलेगी, हमें क्या पड़ी किसी को क्या बताने की कि तुम्हारे बाप क्या है कैसा है। तुम कहाँ चली? मामा मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ ना। तुम इनफैक्ट तुम ये गरम गरम पूरियां खाओ, ये लो और लो और लो, बस करो। अशोक, अशोक मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं मम्मी को तुम्हारे पापा के बारे में कभी किसी से कुछ कहने नहीं दूंगी। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। यू वेलकम। मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकती हूँ? नहीं बस इतना ही काफी है, थैंक यू। अशोक मैं तुमसे ये भी कहना चाहती थी कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। दुनिया तुम्हारे पापा के बारे में क्या कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, पता नहीं था कि एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर लोग इतने सारे इल्जाम लगा सकते हैं। जब इन सब बातों का हम पर असर होने लगा तभी पता चला। तुमने कभी सुना नहीं फादर्स क्राइम्स विजिट द सन? वो क्राइम्स जो किए ही नहीं गए। खैर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। थैंक यू, थैंक्स अगेन, बाय बाय। माँ जब देखो आप अपने दोनों बेटों का इंतजार करती रहती हैं। तुम सब की चिंता लगी रहती है मुझे। माँ कल मेरी सहेली का बर्थडे है, उसने मुझे बुलाया है, मैं जाऊँ? कॉलेज के बाद चली जाना। पर पार्टी रात को है। रात को? मतलब बहुत रात को नहीं, मैं शाम को जाऊँगी और जल्दी आ जाऊँगी। नहीं नहीं रात को तुम्हारा घर से बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, जमाना बहुत खराब है। माँ मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ ना। तुम्हारे पापा भी तो बड़े थे, क्या वो अपना ख्याल रख सके?
खराब जमाने ने उन्हें तो फंसा ही दिया ना। कमाल करते हैं आप, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात याद करेंगे। छोटी सी बातें ही बड़ी बन जाती हैं। माँ मेरी सारी सहेलियाँ आएंगी कल, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लड़के भी होंगे क्या? माँ मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ लड़के भी आते हैं, तो यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, जितना पूछा है उतना ही जवाब दो। लड़के भी होंगे क्या वहाँ पर? सूजी ने सिर्फ दो चार क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है और सारी लड़कियाँ ही हैं। सच कह रही हो? हाँ माँ। ठीक है, तब तुम जा सकती हो। वैसे भी आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, आप जो कुछ मुझे पहनाकर भेजती हैं उसे देखकर तो सारे लड़के भाग जाते हैं। बिल्कुल गवार लगती हो ना। लगने दो, यही हमारी सभ्यता है। कॉलेज में मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजती हूँ, फैशन शो करने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, अब कल का परमिशन है ना? हाँ है, लेकिन अंजलि किसी ऐसी वैसी जगह पर मत चली जा। थैंक यू सो मच, लव यू। अरे अशोक, आओ आओ। मामा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर तो आओ, मामी से नहीं मिलोगे? दरअसल उन्हीं के बारे में बात करनी थी, वो लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें समझा दें कि कहो ना क्या बात है। इनकी बातें पैसों के सिवा और क्या हो सकती है? क्लिनिक के लिए कुछ और पैसे चाहिए होंगे, है ना? कितने पैसे चाहिए? मैं पैसे मांगने नहीं आया मामी। तो आप ही के पैसों से तो हम पलकर बड़े हुए हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद हमारा घर भी हमसे छिन जाता। आप ही के पैसों से मैं सर्जन बना हूँ, क्लिनिक खोली है। वो सब तो मैं जानती हूँ, अब क्या चाहिए? थोड़ी सी दया। वो दया ही तो थी जो मैं आज तक तुम लोगों को अपना समझकर पालती हूँ। मैं इस दया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दया की बात कर रहा हूँ जो एक माँ के दिल में होती है, जो सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगती। तो हमने कौन सा सूद मांग लिया तुमसे? अगर सूद मांगती तो असल के साथ वापस भी कर देता और शायद कर भी दूंगा, लेकिन आपने अपने एहसानों के बदले हमारा आत्मसम्मान, हमारी इज्जत, हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश कर ली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजय से आपने क्या कहा? क्या कहा पिताजी के बारे में? वही जो सच है, जो आदमी पब्लिक के करोड़ों रुपए लेकर गायब हो जाए उसे बेईमान और धोखेबाज ही तो कहा जाएगा। मगर ये सब झूठ है। 15 साल पहले जब ये सब कुछ हुआ तब हमें तो होश भी नहीं था, लेकिन आप मामी, आप तो बड़ी थी, आपने क्या किया? जो हमसे बना वो हमने किया और आज तक करते आ रहे हैं, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि जो हमने किया अगर ना करते तो आज तुम लोग सड़क पर भीख मांग रहे होते। शकुंतला, देखो ना आनंद, एहसान फरामोशी की भी हद होती है। जितना हम लोगों ने किया क्या कभी कोई किसी के लिए करता है? क्या आपने कभी ये कोशिश की कि बदनामी का जो धब्बा पिताजी के नाम पर लगा है उसे दूर किया जाए? एक दोषी को हम निर्दोष कैसे साबित कर सकते थे अशोक? पिताजी दोषी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आज के बाद उनको उन नामों से कभी मत पुकारिएगा जिनको सुनने की मुझ में ताकत नहीं है, क्योंकि असलियत क्या है, असली मुजरिम कौन है?